बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। छुहारे खाने से कमर का दर्द दूर हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा काम करने से ही थकन हो जाती है तो किशमिश का इस्तेमाल करें, थकावट दूर हो जाएगी। सर से जुए ख़त्म करने के लिए एक लेमू काट कर बालों की जड़ों में लगाएं। आधे घंटे बाद सर धो लें, जुओं का खात्मा हो जाएगा। होंठों को फटने से बचाने के लिए दूध की मलाई होंठों पर लगाएं। अगर माहवारी के दिनों में पेट और टांगों में दर्द है तो नीम के पत्ते और अदरक का रस मिलाकर पीने से दर्द में फौरी आराम आ जाता है। अगर आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाए तो नहाने के टब में एक चम्मच नमक मिला दें, जिल्द नरम और चिकनी हो जाएगी। गाजर खाएं और इसका जूस पिएं, इससे रंग सुर्ख होता है। आँखों के नीचे हल्के ख़त्म करने के लिए रात को बादाम के तेल का मसाज करें, आँखों के गिर्द हल्के चंद दिनों में कम हो जाएंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो अपनी खुराक में अखरोट का इस्तेमाल करें। रात को पानी में 4 अखरोट भिगोकर रख दें और सुबह अखरोट खा लें। 2 हफ्ते इस्तेमाल करने से आपके बाल गिरना रुक जाएंगे। रोज़ाना 1 सेब खाने से आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने नाखूनों को लंबा करना चाहते हैं तो रोज़ाना रात को सोने से पहले नाखूनों पर लहसुन लगाएं, इससे आपके नाखून बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा ऑयली है तो दिन में 3 दफ़ा बेसन से मुंह धोएं, इससे आपकी जिल्द से इजाफी ऑयल ख़त्म हो जाएगा। अगर नहाने के दौरान पानी में आधा लीमू निचोड़ कर नहाया जाए तो आपको महंगे परफ्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।